सह रहे हैं भैया बस। और पहले तो इतनी मतलब गर्मी देखी है, लेकिन है ना टेम्परेचर इतना जो लू चल रही है वो नहीं देखा। गर्म हवा जो चल रही है वो एकदम मतलब स्किन को काटती है। इस साल दिल्ली में पड़ रही गर्मी आंकड़ों के हिसाब से बीते कई सालों में बहुत ज्यादा है। मई का महीना खत्म होने में अभी एक हफ्ते से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन फिर भी पारा 47.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भाई सुबह से लेके सुबह जैसे उठते हैं ना, सूरज की ऐसी धूप लगती है मुंह पे पूछो मत। सुबह से लेके रात तक इतनी इतनी गर्मी हो रही है ना पूछो मत, सिर तले का पांव तक पानी पानी हो रखे हैं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से लगातार ऊपर दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने 4 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, रीजन एक ही है, पेड़ सारे कट गए, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। और दिल्ली का अलावा पंजाब और हरियाणा का ट्रैफिक यहाँ से होके जाता है, बाईपास करता है यहाँ से, जो गुड़गांव जा रहा है, जो एयरपोर्ट जा रहा है, सब यहीं से होके जाते हैं मैक्सिमम, उसकी वजह से ज़्यादा हीट है। दिल्ली में गर्मी के साथ साथ बिजली की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार दोपहर 3:33 पर अधिकतम बिजली मांग 7,717 मेगावाट तक पहुंच गई, जो अब तक की सबसे ज्यादा है। बचाव के लिए क्या क्या करते हो? बचाव के लिए भाई ये देखो देसी परना ले रखा है, ठीक है। अरे भाई घर जाते अपना कूलर आके बैठ जावे, अरे भाई टाइम टाइम पर पानी पीते रहे, अच्छे से डाइट लेना, धूप में टॉवल रख के चलना, और क्या कहते हैं एसी में नहीं सोते हम, अपने कूलर में सोते हैं। एसी हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक है, पर इस टाइम हमें एसी भी अच्छा लग रहा है गर्मी को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रखा है, मतलब बच्चे बीमार भी हो रहे हैं लगभग। उत्तर भारत के राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी प्रभाव खत्म हुआ, उसके बाद कंटिन्यूस टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। अगर हम थोड़ा साइंस की बात करें तो उसमें क्या होता है कि अपर लेवल में हाई प्रेशर जोन बन जाता है, जो काफ़ी फेवरेबल रहता है। अभी वही बना हुआ है स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जिसके कारण टेम्परेचर अब फर्दर फिर राइज रहेंगे। इसके लिए हमारा जो पंजाब हरियाणा के लिए आज के लिए ऑरेंज अलर्ट है, और इसके बाद कंटिन्यूस 4 दिन के लिए रेड अलर्ट है। सिमिलरली अगर राजस्थान की बात करें, वहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर भी ज़्यादा है और मिनिमम भी ज़्यादा है, वहाँ हमारे आने वाले 5 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। और अगर आप ईस्ट राजस्थान की बात करें, वहाँ 2 दिन के बाद हमने रेड अलर्ट दे रखा है। सिमिलरली वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए भी आने वाले 5 दिनों के लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा है। डॉक्टरों का मानना है कि ऐसे मौसम में बाहर काम करने वाले लोगों, बुजुर्गों और बच्चों को गर्मी की थकावट और हीट स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 1998 से 2017 के बीच ज्यादा गर्मी से 1,66,000 लोगों की जान चली गई थी। आईएमडी ने पहले ही भारत में अप्रैल जून के बीच बहुत ज्यादा गर्मी की चेतावनी जारी की थी। अब चिंता इस बात की है कि जब मई में इतनी गर्मी पड़ रही है तो जून में क्या हाल होगा।